सो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर सेल्फ यूनिक। मजा आ रहा है कि नई इंटरव्यू मिस्टेक सीरीज में आज का जो वीडियो, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैड मिस्टेक्स, मतलब कैड राउंड में गए तो वहां पर कौन सी मिस्टेक्स कर देते हो दोस्त, जिसकी वजह से आपको आफत आ जाती है और आप रिजेक्ट हो जाते हो। कैड राउंड मतलब, कैड राउंड मतलब अलग अलग कंपनियों में अलग अलग वर्ड बोलते हैं। कैड राउंड स्किल टेस्ट या फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट, आसान भाषा में बोलूं तो जो आपने सॉफ्टवेयर सीखा है मुझसे या फिर किसी और से, उसका टेस्ट कि आपको आता कितना है। तो वहां पे कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो पता है, चलिए शुरुआत करते हो, समझते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो। और साथ ही साथ अभी भी हैप्पी होली का ऑफर चल रहा है, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको होली तक का बेनिफिट, मतलब 21 मार्च तक का बेनिफिट मिल जाए। वहां पर जाके आप विजिट कर लीजिए, उसके बाद फीस थोड़ी सी इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे ही नया सत्र स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो इसलिए आपको बेनिफिट उठाना तो उठा लीजिए। चलिए जी, कैड राउंड में क्या हम लोग मिस्टेक्स करते हैं गाइस, ठीक है। पहली मिस्टेक्स हम लोग के साथ कैड राउंड में, एक तो सबसे बड़ी चीज होती है, एक्चुअली कंपनीज को पता है कि आप फ्रेशर हो या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जानते हैं कि आप फ्रेशर हो। उनको सबसे ज्यादा पसंद होता है आपका स्पीड, कितने स्पीड में आप ड्राइंग को क्रिएट करके दे सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे एकदम समझने लगते हैं, अच्छा इस ड्राइंग में ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, उनके बहुत बारीकी में चले जाते हैं। और उस टाइम पे होता क्या है कि वहां पर टाइम दिया जाता है कि 30 मिनट 20 मिनट, ये ठीक है। अब 20 मिनट 30 मिनट में आपकी ड्राइंग्स होगी ही नहीं अगर आप फुल डिटेलिंग्स करने चले जाओगे। आप लोग सर हो जाती है, हो उसकी जाती है जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में, ठीक है। फ्रेशर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि वहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ड्राइंग मिले, एक कॉर्नर उसका ड्राइंग का पकड़ना है। मैं हमेशा बोलता हूं ड्राइंग बनाने का सबसे आसान तरीका है कि ये मान लो ये ड्राइंग है, वैसे बैंक का वो पेपर है, ठीक है। अगर ड्राइंग है तो एक कॉर्नर पकड़ो और इस कॉर्नर से याद करो क्या क्या करना है, फटाफट करते चले जाओ तो ये कॉर्नर कंप्लीट होता चला जाएगा। मतलब इधर से स्टार्ट करो ये आए, इधर से स्टार्ट करो ये आए, पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा कैसा भी पार्ट हो, ठीक है। चाहे फिर आप ऑटो कैड में बना रहे हो या फिर किसी भी कैड के सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, तो स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब स्पीड में आपकी ड्राइंग्स बन जाए तो दूसरी चीज आपको देखना चाहिए कॉमन मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक्स आपकी अलाउ होती हैं क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं, तो कॉमन मिस्टेक जो सामने दिख रही हूँ ऐसी मिस्टेक्स नहीं। कभी कभी होता है कि हम लोग स्केल मैच नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना आपके साथ, स्केल मैच नहीं कर रहे हैं, जितना डाया उसमें दिया हुआ है उतना हमारा नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, एडिट कर दो उस डायमेंशन को और एडिटिंग करके डायमेंशन दे दो। डायमेंशन जब देते हो तो याद रखो डायमेंशन विजिबल होना चाहिए, ठीक है। कई लोग डायमेंशन का जो हाइट और लेंथ लेते हैं वो इतना छोटा ले लेते हैं कि उसको जूम कर करके देखना पड़ता है, और जैसे ही आप जूम करके, मतलब जो टेस्ट को चेक करता है वो जूम करके देखता है, 10 और नए मिस्टेक्स उसको दिख जाते हैं। बेटर है कि हम डायमेंशन प्रॉपर दिखाएं और थोड़ा सा स्केल उसका बड़ा रहेगा तो अपने आप दूर से उसको पता चल गया भाई कोई मिस्टेक्स नहीं है, इसने बहुत अच्छे से किया हुआ है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आप लोग को प्रैक्टिस नहीं होती है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी कई कई इंस्टीट्यूट में ऐसे होते हैं कि वो आपको, मतलब कंपनीज में ऐसे होते हैं कि वो आपको देते हैं प्रिंट करके ड्राइंग्स को, ठीक है। अब प्रिंट करके दे दिया ड्राइंग, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती कि यहां से देखूं फिर उसका बनाऊं, ठीक है। तो आपको बोलूंगा कि मैंने ऑटो कैड का पूरा बुकलेट दिया हुआ है, उसको प्रिंट करके पीडीएफ से देख के बनाने का प्रैक्टिस कर लो, पीडीएफ से देख के बनाने का प्रैक्टिस कर लो। खासतौर से सेक्शन और एलिवेशन का जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई ऐसे पीडीएफ में दे दिया उसको अपने आप ड्रॉ करना हुआ, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ी इसमें स्पीड लेके आओ, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी विजुलाइजेशन टेस्ट। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है विजुलाइजेशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब लोग सर ये क्या होता है विजुलाइजेशन टेस्ट, विजुलाइजेशन टेस्ट मतलब वो आपको दे देंगे एक टेबल, मान लो ये टेबल है, ठीक है, इसमें पैर लगे हुए टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, वो बोलेंगे इसका फ्रंट लेफ्ट राइट और टफ होते हैं, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेफ्ट फ्रंट और ये सारे साइड्स आप बना के दिखाओ। इतना विजुलाइजेशन आपका हालत खराब हुआ रहता है कि आप गलत विजुलाइज कर देते हो। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, मुझे मैट फुटिंग का फ्रंट व्यू दे दिया था और उन्होंने बोला था मैट फुटिंग बनानी है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, मैंने गलत कर दिया था, बट मुझे 60 मार्क्स मिल गए थे 100 में से, तो मेरे को मतलब पास के पास पास था, मैं 50 पासिंग था, लेकिन पूरा मैं नहीं पाया, 100 में से 100 नहीं पाया, समझ नहीं पाया फ्रंट व्यू को कैसे 3D में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान था बट प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जब मैं फ्रेशर था तो मुझे 2 स्क्रीन वहां पर दी मिल गई थी। मतलब आप इंटरव्यू देने जाओगे कैट टेस्ट में तो मैक्सिमम चांस रहता है या तो आपको पीडीएफ देंगे या फिर आपको देंगे एक लैपटॉप में आपको व्यू दिखता रहेगा, दूसरे लैपटॉप में आपको बनाना रहेगा। अभी में भी मैं ऐसे ही बनाता हूं, कोई भी ड्राइंग वगैरह बना रहा था जिस इधर पीडीएफ खोल दिया और इधर फटाफट बना लिया। अब वहां पर हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है डबल लैपटॉप पे काम करने की, तो उसके वजह से हमारा रिजेक्शन हो जाता है और स्पीड हमारी स्लो हो जाती है, और फिर जो लोग इस पे प्रैक्टिस किए रहते हैं उनका तो बल्ले बल्ले हो जाता है,
तो इन चीज़ों को आपको, छोटी छोटी चीज़ें बट इनके मिस्टेक्स को आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है कि अगर उन्होंने आपको दिया कोई ड्राइंग्स को, तो प्रेजेंट में देखो क्या वहाँ पर सही तरीके से सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह लिखे हुए हैं। डायमेंशन की हो तो डायमेंशन में जैसे रेडियस वगैरह दिखाना चाहिए, क्या हुआ ऐसा ही दिखा हुआ है, ठीक है। एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल अगर आपका बनता है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग बहुत दिमाग और लगाते हैं, वो मैंने देखा हुआ है, ये बहुत सिली चीज़ है, मत करना। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि उनको अगर कोई ड्राइंग दिया कि भाई ये ड्राइंग बनानी है और एक ही पे बोले बगल में बना दो, तो क्या करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कौन करता है, बिलीव करो बहुत बच्चे करते हैं ऐसा, जो पार्ट नहीं बनता हो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं। और आपको बता दूं कि ऑटोकैड के अंदर एक ऐसी कमांड होती है जिससे पता कर सकते हो कि कॉपी पेस्ट हुआ है कि नहीं, साथ ही साथ स्टेटस बार से भी पता कर सकते हो कि कॉपी पेस्ट भी किया है क्या। तो तुरंत चेक कर लेते हैं कि स्टेटस बार ओपन करते हैं, आप बोलोगे सर स्टेटस बार कहाँ होता है, जहाँ ऑर्थो होता है उसके जैसे ऊपर देखो एक स्केल होगी, स्टेटस बार में आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट हुआ है क्या, उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। उसके अलावा भी और कमांड्स हैं बट अभी डिस्कस नहीं करूँगा उन कमांड्स के बारे में। तो ये कैड राउंड में कॉमन मिस्टेक्स होती है। उसके साथ ही साथ आपसे वो देखते हैं कि आपका थिंकिंग लेवल क्या है। एक तो हो गया विजुअलाइजेशन, देख लिया फ्रंट लेफ्ट राइट ये सब व्यू बनवा के, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू बनवा के। अब चेक करते हैं कि आपको कोई एरिया दे दिया, ठीक है, सपोज आपको दे दिया 2000 square feet, वो बोलते हैं इसमें प्लानिंग करके दिखाओ, तो क्या आप यूज टू हो कि फ्रंट कितना लेना है बैक कितना लेना है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो क्या? मतलब अगर 2000 square feet मिल गया तो फ्रंट कितना लेना है, 40 लेना है या 50 फीट लेना है, आपको पता है क्या? अच्छा 40 लेना है तो बैक कितना लेना चाहिए, क्या 60 लेना चाहिए कि 50 लेना चाहिए? 50 लेना चाहिए, क्यों? 4×5=20, 2000 square feet हो गया, ठीक है, इसका आपको आइडिया है क्या? अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ फंसे रहोगे इस चीज़ में। अब उसमें वो देखते हैं कि आपको स्टैंडर्ड पता है क्या। अगर उन्होंने 2000 square feet दे दिया, ये सैनबियो कंपनी में पूछते हैं, आपको पता होगा अगर सैनबियो कंपनी के बारे में, तो ऐसे बहुत सी कंपनियाँ पर सैनबियो का मुझे याद आया। तो अब उसमें पता होना चाहिए कि रूम का स्टैंडर्ड क्या है। कोई ड्रॉ करने गया पहली बार तो आप लोगों ने देखा होगा वो ड्रॉ कर देंगे 16x18 का एक बड़ा सा रूम, ठीक है, और हॉल कितने का किया है 12x10 का, ठीक है। स्टैंडर्ड पता है कि आपको रूम के, अगर नहीं पता है तो गड़बड़ है। मेरा ऑटोकैड का जो कोर्स है लगभग 250-250 का है, यूनिक सिविल एप्लीकेशन में जाइए, हैप्पी होली कोड यूज करिए, 250 रुपये का कोर्स है पूरा ऑटोकैड का, उसमें पूरा पढ़ाया है डायमेंशन स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं, रेरा के रूल्स क्या होते हैं, वास्तु के हिसाब से कैसे प्लानिंग करते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कैड राउंड बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ये तो रहा कैड राउंड ऑटो कैड के बेस पे कि ऑटो कैड पे जो पूछा गया आपने दे दिया। कई जगहों पे कैड राउंड रैबिट और इसमें क्या बोलते हैं स्केचअप वगैरह में लेते हैं, फिर 3ds Max पे, तो वहां पर कैड राउंड में हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं गाइस, हमको देते हैं कि फ्रंट व्यू बनाओ, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम लोग का जो मैक्सिमम टाइम चला जाता है, मैंने जो देखा है लोग अंदर का विजुअलाइजेशन ठीक करने लगते हैं, मतलब फ्रंट व्यू की बात हुई थी ना, तो फ्रंट व्यू पे ही केवल वर्क करो, अंदर का वॉल हाइट बढ़ाए पड़े हैं, अंदर के रूम को सेट करने पड़े हैं, अंदर का विंडो फिट करने पड़े हैं, ये सब मत करो। उन्होंने क्या बोला, फ्रंट व्यू तैयार करो। फ्रंट व्यू तैयार करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर के वॉल को एक्सट्रूड करना है, जो भी वॉल बना रहे हो रैबिट में तो बनाना है, 3ds में एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड करो, और क्या बोलते हैं जिस भी सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो, आर्चीकैड हो या फिर स्केचअप हो, सारे सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है यार, ठीक है। मैं तो 15-20 सॉफ्टवेयर चला चुका हूं, इसलिए मुझे लगता है कि सारा कॉन्सेप्ट एक ही है सबका। तो मतलब उनकी हाइट्स को बढ़ाना है, फ्रंट व्यू को केवल डेकोरेट करना है, और उनको मतलब होता है रिजल्ट से, मतलब रेंडर से, तो आपकी मैक्सिमम जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो रेंडर पर होनी चाहिए। कई कई चीज़ें ऐसे होती हैं, सपोज मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, ठीक है, अब बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कैमरे होते हैं कि उससे मैं आपके सामने आऊँगा तो मैं बड़ा ही हैंडसम लगूंगा, वैसे भी थोड़ा बहुत हूँ लेकिन उससे कुछ ज़्यादा लगूंगा, राइट। तो क्या हो रहा है, ये कैमरे की वजह से हो रहा है ना, तो कैमरा क्या है, कैमरा ही तो आपको रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। आप रियल में मैं कैसा हूं, तो जब मिलोगे तब पता चलेगा। फोटो में आपको देखने के लिए कैमरे की रिक्वायर्ड है, अगर अच्छा कैमरा है या फिर फिल्टर उल्टर अगर कोई यूज़ करना आता है तो हम और खूबसूरत दिख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल कि कोई भी 3D व्यू के लिए सिर्फ मतलब होता है सामने वाले ऑनर को रिजल्ट से, ठीक है। तो आप फ्रंट व्यू में केवल फ्रंट तैयार करिए, पीछे अंदर का कुछ मत करिए, सिर्फ फ्रंट को तैयार करके फटाफट सबमिट कर दीजिए। कैड राउंड जब स्टैट प्रो में होता है तब क्या देखा जाता है, कैड राउंड जब स्टैट प्रो में होता है या फिर ETS में होता है तो सबसे पहले देखते हैं ग्रिड कितना जल्दी तैयार करते हो। क्यों, JW कंपनी सबको पता ही होगा, मेरे बहुत ढेर सारे बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे हैं JW में, मुझे लगभग मैसेज आते रहते हैं हफ्ते में एक आध बार। तो JW या फिर कोई भी जो स्ट्रक्चर की बड़ी कंपनियां हो, देखती है कि ग्रिड कितना टाइम में बनाते हो, ठीक है। अगर ग्रिड फास्ट बनाते हो, खासतौर से ETFs के लिए ये है, ग्रिड फास्ट बनाते हो तो आपका एनालिसिस तो बहुत फास्ट हो जाएगा, तो आपको टाइम पीरियड देते हैं, तो उसमें मत देखो कि एक आध बीमी इधर उधर हो गई, ग्रिड बनाओ जल्दी से, उसके बाद इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद मॉडल बनाओ, फिर देखो कि अगर कहीं मिस्टेक्स है तो डिलीट करके बाहर करो।
समझ गया है, ग्रिड की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑटो के अगर सॉरी स्टेट प्रो में ऑटो कैड में सेंटर लाइन ड्रॉ करना आता है तो स्टेट प्रो में बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट उसको बना लोगे, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। कुल मिला के ओवरऑल अगर बोलूँ पूरे कैड राउंड को समराइज करूँ तो हर कंपनी चाहती है वो बंदा जो स्पीड में काम करके दे दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सीधी बात होती है, हर ड्रॉइंग का रिविजन होता है। अगर मैंने कुछ एनालिसिस किया, ऐसा नहीं है कि आज एनालिसिस कर दिया तो ये डन हो जाएगा, कल फिर से इसमें बैक होके आएगा, फिर रिवीजन होगा, फिर इसको चेंजिंग्स होगी, ये तो होता रहेगा। बट स्पीड है तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा बनाऊंगा। मैं दिल्ली की एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था, ऑयल एंड टैंक का कंपनी था, उसने मुझे स्टेट प्रो पे एक मॉडल दिया, ठीक है। और उस टाइम पे मेरी स्टेट प्रो पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे 15 मिनट दिया हुआ था, कितना 15 मिनट, आप बोलोगे सर कितना का टाइम है, यस छोटा सा मॉडल था, 15 मिनट का टाइम दिया हुआ था। और उन्होंने बोला कि लोड लगाओ, और ये लोड भी उन्होंने दे रखा था, लोड लगाओ, एनालिसिस करो, हमको रिजल्ट दो 15 मिनट के अंदर, ठीक है। मैं फटाफट बैठा और जैसे उसको एनालाइज किया 300 वार्निंग्स, मैं थक गया। मैं कहा इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो गया मैं, ठीक है। मैंने कहा वार्निंग वार्निंग सॉल्व करने का टाइम नहीं है, बंद किया फिर से ऑन किया, स्पीड मेरी फास्ट थी, बिलीव नहीं करोगे, मैंने फिर से तुरंत तैयार किया और तैयार करते 180-190 वार्निंग्स बची हुई थी। मैं कहा अभी भी सॉल्व नहीं करेंगे और टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो वार्निंग्स और एरर ही देखने वाले थे, मुझे पता था, ठीक है। फटाफट फिर से मैंने बंद किया और तीसरी बार 15 मिनट में 3 बार मैंने बनाया, और शायद ये मेरी स्पीड सबसे ज़्यादा हाई स्पीड स्टेट प्रो रही होगी। और मैंने उनको रिजल्ट करके दिखाया, दे आर वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट। डेफिनेटली उसके लिए मैंने ग्रिड तैयार, मुझे याद हो गया था कि वो क्या बोलते रन स्ट्रक्चर बिजार से कैसे बनाना है, क्योंकि एक टैंक टाइप का बनाना था स्ट्रक्चर, तो बस फटाफट गया, इंपोर्ट किया, मटेरियल लगाया, फटाफट स्पीड में। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ा रोल होता है वो स्पीड का होता है हर कैट टेस्ट में, दूसरा होता है एक्यूरेसी, पहला नहीं दूसरा होता है एक्यूरेसी, और तीसरा आउटपुट की फिनिशिंग, फिनिशिंग कितना बेटर देते हो, और चौथा अगर मैं समराइज करूं तो कॉन्सेप्ट क्या लगाते हो, ठीक है। मतलब अगर कोई प्लान दिया है तो ऐसा प्लान होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को पसंद आना चाहिए, डिजाइन दिया है तो ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ यार इसको मैं बनवाऊंगा तो मेरे फायदा होगा। तो ये चार चीज़ें आपको कैंड राउंड में ध्यान देनी है। डेफिनेटली मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपकी गलतियां कुछ कम हो जाएंगी। और ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे फिर से बोलूंगा कमेंट करो यार, मोटिवेट करो कि सर अच्छा लग रहा है, और कौन से आप मिस्टेक्स किए हुए नीचे कमेंट करो ना, आपके मिस्टेक से दूसरों का भला हो जाएगा, प्लस उस पर वीडियो बना दूंगा, लाखों लोगों का भला आपके वजह से होगा, बिलीव करो। बहुत दुआएं मिलती हैं, मैं तो जो कुछ भी हूं तुम लोगों की दुआओं से। चले जय हिंद जय भारत।